वेलकम मामाज इन द किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं कुर्फ फायर बर्गर। आई नो ये आप लोगों को नाम बहुत चेंज लग रहा होगा क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल ही चेंज्ड और डिफरेंट है, ठीक है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है, वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करके अपना प्यार शो करें। चलें अब इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चिकन ब्रेस्ट ले लेने हैं पीस, उसको फिर अगर में हैमर मौजूद है तो वो यूज़ करो, चट्टू बेलन मौजूद है तो वो यूज़ करें। लेकिन इसका मकसद ये है कि हमने जो भी है ना चिकन ब्रेस्ट को उसको फ्लैट कर लेना है, ठीक है। उसको करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मैरिनेशन की प्रोसेस की तरफ चलेंगे। नमक आप लोग डालोगे वो आप लोगों ने हसबे जायका डालना है। काली मिर्च ले लो, सफ़ेद मिर्च मौजूद है तो सबसे 1 टीस्पून डाल के, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर 2 टेबलस्पून डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लो। उसके ऊपर अप्लाई कर दो मिक्सचर को और हार्डली इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो। लेकिन अगर बहुत जल्द है आपको बनाने के लिए, किसी वक्त बनाना चाहते हो, तो मिर्च जो आपके मिर्च मसाले हैं ना उनको थोड़ा तेज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपसे कहा था मैं स्टोरी बताऊंगी, मेरे पास क्रम्स घर में मौजूद नहीं थे और मैं सोच रही थी क्या करूँ। तो मेरी नज़र ना कुरकुरों के पैकेट पे पड़ी, तो 2 तरह के कुरकुरों के फ्लेवर थे, तो मैं उनको मिक्स करके ना मैंने क्रम्स बना लिया। अंडा भी घर में एक ही मौजूद था, मैंने दूध डाला। असल में इसलिए था कि इसकी क्वांटिटी को मैं इंक्रीज़ कर लूँ, बट इट वर्क्स आउट अमेजिंग। इतना अच्छा स्टिकी इसने काम किया कि मैं अमेज्ड हो गई। इतना क्रंची ये बर्गर बना कि इट्स अबव टू माई एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप लोगों ने जो ब्रेस्ट पीस था उसको कॉर्नफ्लोर के ऊपर आपने अच्छी तरह उसके ऊपर जो है ना कॉर्नफ्लोर मल देना है। इसके बाद आपने अंडे और दूध वाले मिक्सचर पे इसको वो लगाना है, हर तरफ से अच्छी तरह से ये डिप हो जाए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने कुरकुरों जो क्रम्स है ना वो ऊपर अप्लाई करना। देखो देखने में ही ये इतना अमेजिंग लग रहा है, यानी कि देखकर यानी कि एक आपको अच्छा एक फील आ रहा है ना, तो इससे भरकर और कोई बात नहीं होती। कुरकुरों का कलर ना ऑलरेडी जो है ना लाइट ब्राउन कलर होता है, जब इसको आप फ्राई करोगे थोड़ा सा डार्किश ब्राउन कलर इसका आता है। लेकिन टेस्ट जो था ना वो आप कह सकते हो 100/100 हम इसको मार्क्स दे सकते हैं। जिंगर आप लोगों ने खाए होंगे और भी बहुत माइटी शाइटी सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे बर्गर्स के, लेकिन इसने उनके जो लेवल है ना क्रंचीनेस का उसको मैं कहती हूँ थोड़ा सा भरकर था। ये ना ये ज़्यादा ऑयली था मैं कहूँगी, और ना ही इसके अंदर कोई कमी पेशी थी कि हम ये ना कहें कि क्रंची नहीं था। हर बाइट के अंदर ऐसा ऐसा क्रंच आ रहा था बिकॉज ऑफ द कुरकुरों के जो कहते हैं ना आप लोग क्रम्स की वजह से। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक टेक्सचर जो ना इसको दिया और मेरे बर्गर को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दिया। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया, आई होप सो आप लोग भी इंजॉय इसको बनाओगे और इंजॉय करोगे, ठीक है। बर्गर बंस ले लो उसको, और मैं तो हल्का सा ऑयल लगाकर ना उसको ज़रूर गर्म करती हूँ। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ऑयल के बगैर भी इसको गर्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सॉस की तरफ आते हैं। मैं इसके अंदर जो है ना चीज़ी सॉस नहीं बनाती होती, मैं हमेशा ना बीफ बर्गर हो जाएँ तो इस तरह के बर्गर हों तो तब मैं चीज़ सॉस का इस्तेमाल करती हूँ। केचप ले लो, मायो घर में मौजूद है उसके उसको ले लो। उसके बाद आप मस्टर्ड सॉस ले लो, अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ना इसको आप बना सकते हो, ठीक है। मस्टर्ड सॉस लेकिन मैं ये कहूँगी हमेशा 1 चम्मच या 2 चम्मच से ज़्यादा मत डालना, वरना कुछ एक्स्ट्रा ही टेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो पिंच ऑफ सॉल्ट ले लें, उसके बाद वाइट पेपर है वो डालो और अच्छी तरह मिक्स कर लो, और ये आपकी सॉस ना रेडी है। ये भी सॉस बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसके अंदर मुझे सॉस के बाद ना चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप लोगों को चीज़ पसंद है, यू आर द चीज़ लवर, तो वाई अंदर एडिशन कर दो, डालो और मज़े से खाओ। आइसबर्ग थी, मैंने आइसबर्ग का भी इस्तेमाल किया। ये मैंने चिकन का पीस रखा, ठीक है, और ये मेरा बर्गर जो है ना बिल्कुल अमेजिंग था, रेडी था। एंड आई होप सो कि आप लोग भी इसको ज़रूर बनाओगे, ठीक है। हमेशा कोशिश किया करो जो चीज़ें घर में मौजूद हों अपने बजट के अंदर रहते हुए चीज़ को बनाने की कोशिश कीजिए करें, और चीज़ों का रिज़ल्ट अच्छा निकल आता है। हाँ कभी कभी एक्सपेरिमेंट बुरा भी हो जाता है, वो तो मेरा भी कभी कभी हो जाता है, तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा ही मेरा बहुत ही आला रिज़ल्ट रहता है। लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती ना मैं हमेशा वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक मैं वो चीज़ लेकर जाऊँ जो उनको भी यू नो एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा दें। एंड थैंक यू सो मच।